हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल डैडी एंड एसएपी। आज की क्लास में हम एसएपी की जीयूआई, जिसे हम एसएपी फ्रंट एंड बोलते हैं, वो इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसको सर्वर से किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कम्प्लीट वीडियो होने वाली है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि एसएपी जीयूआई किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से सर्वर कनेक्ट करते हैं, तो उस पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमारे चैनल पर ऐसे की पूरी सीरीज है, अगर आप ऐसे में इंटरेस्टेड हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक प्रीमियम कोर्स है, अगर उसको भी आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हो नॉमिनल कॉस्ट पर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एस ए पी जी यू 7.60 है, ये फाइल है। इस फाइल में आएंगे, यहाँ पर आएगा एस ए पी 6.0, यहाँ पर आएंगे 0.0, इस पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ एंड यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा प्रेस वन। इस पर क्लिक करेंगे, जीयूआई में आएंगे, जीयूआई में विंडोज, विंडो 32, यहाँ पर नीचे आएगा सेट जीयूआई सेटअप। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे अपनी जीमेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपके साथ इस फाइल को शेयर कर दूंगा एसएपी जीयूआई को। तो एसएपी जीयूआई सेटअप आ रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे हम इसे यस करेंगे, देखिए हमारे पास इस तरह का एक आएगा, यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा एस ए पी जी आई फॉर विंडोज 7.0 कंपाइलेशन 1, तो हम इस पर टिक कर देंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देन अगेन नेक्स्ट, ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, रिबूट के लिए मांग रहा है, तो कोई इशू नहीं है, इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए एस ए पी लॉग ऑन का एक बटन आ चुका है, अब इसको हम ऑन करते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए ये आ गई आपके पास स्क्रीन। एस ए पी जी आई के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, ये न्यू है, 7.60 है, ऊपर आ भी रहा है 7.6। अब यहाँ पर इसे अब एस ए पी के लिए क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एस ए पी, कई स्टूडेंट एस ए पी जी आई को इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वो पासवर्ड यूजर मांगते हैं। तो एस ए पी बेसिकली ये फ्रंट एंड है, इसके लिए इसको चलाने के लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्वर को हमें कैसे कनेक्ट करना है वो अब हम देखते हैं। तो सर्वर, अब सर्वर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन, एक होता है ऑनलाइन इंस्टॉलेशन। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप किसी और थर्ड पार्टी का सर्वर यूज़ करते हैं, जिसे चलाने के लिए आपको ऑलवेज इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे वो उस सर्वर पे, जहाँ पर वो सर्वर लगा होगा, ठीक है, जिसका आपने सर्वर बाय किया है रेंट पे, वहाँ पर सेव होगा। और एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन, जिसे हम वीएमवेयर में आपने देखा होगा, तो अगर उसको आप कराते हो तो वो आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम से ही वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो दो टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब हम इस सर्वर को कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक मैं सर्वर कनेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बटन है क्रिएट का, न्यू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन में आएंगे, कनेक्शन में आके यूजर डिफाइन सिस्टम, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया, लाइक डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया एस फॉर हाना, ओके। यहाँ पूछ रहा है सिस्टम आईडी, यहाँ पर हमने एस ए पी एस फॉर हाना डाल दिया एग्जांपल के लिए, या आपके पास जो भी सर्वर है वो डाल सकते हैं। ईसीसी है तो यहाँ ईसीसी टाइप कर दीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है सिस्टम आईडी, तो सिस्टम आईडी हमारे पास S4H, ओके। एंड इंस्टेंट नंबर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 30, एंड एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया, ये थर्ड पार्टी सर्वर है जिसे हमने रेंट पे बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया है, यहाँ पर आप इस तरह से भी डाल सकते हो, लाइक प्रोडक्शन सर्वर, क्वालिटी सर्वर, इस तरह से भी हम डाल सकते हैं। राउटिंग स्ट्रीम नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करते ही देखिए
यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन सर्वर जिसका सिस्टम आईडी S4H है और ग्रुप सर्वर ये है। सर्वर अब उसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम इसको लॉग इन कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम SAP GUI को इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट करते हैं। अगर आपको भी SAP की रिक्वायरमेंट है और आप भी SAP को इंस्टॉल कराना चाहते हो, रेंट पे बाय करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड मेरे पास दोनों तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्जन। तो ऑफलाइन वर्जन लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है एंड ऑनलाइन वर्जन के लिए आपको मंथली कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो में एंड थैंक यू।